हे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आपके चैनल पे एट मिक्स में। आशा करता हूँ आप और आपके पेट्स हेल्दी होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 बेनिफिट्स ऑफ साइबेरियन हस्की के बारे में, यानी हस्की के जो 10 फायदे आपको जानने को इस वीडियो में मिलेंगे। इसलिए शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना। और आपको और भी कोई डॉग के 10 फायदे जानने हैं या फिर उसके नुकसान यानी डिसएडवांटेज भी जानने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कीजिएगा, ताकि जब भी नई वीडियो डालो उसका नोटिफिकेशन आपको सबको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो फर्स्ट बेनिफिट है साइबेरियन हस्की के बारे में, वो है कि ये काफ़ी अच्छी दिखती है। दिखने के साथ साथ दोस्तों इनकी आँखें है उसका कलर भी नेचुरली होता है, इसलिए काफ़ी अच्छा लगता है। ये डॉग ब्रीड जैसे नॉर्मल डॉग ब्रीड होती है उनकी तरह नहीं दिखती, काफ़ी यूनिक और अलग लगती है, इसलिए बहुत सारे डॉग लवर इन डॉग को जो है बाय भी करते हैं। काफ़ी अच्छे दिखने के साथ साथ अगर एक साइबेरियन हस्की हेल्दी भी है तो भी काफ़ी दोस्तों इनका अच्छा यूनिकपन दिखाई देता है और काफ़ी दोस्तों अच्छी भी लगती है दिखने में। जो दूसरा बेनिफिट है साइबेरियन हस्की का, वो है कि ये ठंड जगह में आसानी से रह सकती है। अगर आप कहीं बर्फीले पहाड़ों में रहते हो, कहीं ठंडी जगह में रहते हो, हिल स्टेशन हो गया, वहाँ पे आपका अगर घर है, तो उसकी जगह पे अगर आपको एक नॉर्मल डॉग रखना है तो बहुत ही दिक्कत आएगी। बट वही आप साइबेरियन हस्की रखते हो तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और बिंदास रहेगा। जैसे कि बाकी डॉग सर्दी में कभी कभार बीमार पड़ जाते हैं या फिर उनको कुछ और प्रॉब्लम होना चालू हो जाती है, वही जो साइबेरियन हस्की है ठंडी में आराम से रह सकता है। कभी कभी बर्फीली जगह होती है पे भी ये अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, और ठंडी जगहों के लिए डॉग ब्रीड ज़्यादा करके बना हुआ है, इसलिए आप अगर ठंडी जगह में रहते तो इन डॉग को बाय कर सकते हो, और ये काफ़ी अच्छा इनका बेनिफिट है। जो नेक्स्ट बेनिफिट है कि ये डॉग ब्रीड काफ़ी लॉयल है, जैसे कि अपने फैमिली के साथ हो गया, अपने परिवार के साथ हो गया, और कोई अगर इनके साथ फ्रेंडली व्यवहार भी रखता है, जैसे कि कोई बाहर का इंसान फ्रेंड हो गया आपका या फिर कोई रिलेटिव हो गया, अगर ये साइबेरियन हस्की उनको जान लेता है एक बार, उनके साथ थोड़ी देर टाइम स्पेंड कर लेता है, तो उनके साथ भी काफ़ी अच्छे से रहता है और उनके साथ भी लॉयल्टी जो है इसके साथ भी रहती है। अगर कोई उनको अटैक भी करता है फिर मारता है घर के वो लोगों को, या फिर उनके जो भी फ्रेंड है जो डॉग ब्रीड साइबेरियन हस्की सबको जानता हो, उनको कोई भी चोट पहुँचाने की कोशिश करता है, तो साइबेरियन हस्की उनके बचाव में ज़रूर आता है। जो चौथा बेनिफिट है वो है कि ये डॉग ब्रीड बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छे से रहते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपको एक डॉग लाना है, या फिर ऑलरेडी आपके घर में डॉग है और छोटा बच्चा कोई आपके घर में आ रहा है या फिर आने वाला है, तो ऐसे में ये साइबेरियन हस्की उनके लिए काफ़ी प्रोटेक्टिव भी होते हैं, उनके साथ अच्छे से रहते भी है। अगर बड़े कोई उनको बोलते या ज़ोर से डांटते तो साइबेरियन हस्की उसमें बीच में आ जाता है उनको रोकने के लिए, इसलिए ये बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं। और आपको बहुत सारी वीडियो ऐसी देखने को मिल जाएगी जहाँ साइबेरियन हस्की बच्चों के साथ काफ़ी अच्छे से रहते हैं और उनको प्रोटेक्ट भी करते हैं। अब ये भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है अगर आपके घर में बच्चे से है तो। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि ये आपके घर में आसानी से रह सकते हैं, जैसे कि 2 BHK हो, 3 BHK हो, आपके घर में अगर आप 2 रूम है तो वो भी आसानी से रह सकता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। बट डेली वॉक के लिए ज़रूर ले जाना पड़ेगा आपको, एक्सरसाइज प्रॉपरली इसको करानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि घर के अंदर ही रख दिया फिर उसको कहीं ले नहीं गए, ऐसे में कोई भी डॉग जो है बोर हो सकता है, इसलिए ऐसी गलती ना करें। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट वो है कि अगर आप हाइकिंग पे जाते हो, पहाड़ों पे जाते हो, या पहाड़ों पे आपका घर है, आप ऊंची-ऊंची जगह पे जाते हो, तो ऐसे में साइबेरियन हस्की आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि जल्दी थकते भी नहीं है और जो है अच्छे से सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि बहुत सारे डॉग आपने देखा होगा कि आप वॉक पे ले जाते हो या फिर थोड़ी एक्सरसाइज कराते हो उससे, तो उनके मुँह से झाग निकलना चालू हो जाता है और थकते हैं और उनको पानी की ज़रूरत होती है। साइबेरियन हस्की को भी पानी की ज़रूरत होती है, बट इतनी जल्दी से वो थकते नहीं है, अच्छे खासे उनके अंदर स्टेमिना होता है जिससे वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि अगर आपको एक फ्रेंडली डॉग चाहिए तो आप ला के तो रखते हो फ्रेंडली डॉग, बट आगे जाके उसको एक अच्छा थोड़ा सा गार्ड डॉग के लिए रखना है, आपको वॉच डॉग की तरह उसे रखना, तो ऐसे में आप जो साइबेरियन हस्की को इस तरह से बना सकते हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि साइबेरियन हस्की फ्रेंडली है, बट इन्हें आप वॉच डॉग अच्छे से बना सकते हो, बस आपको थोड़ी सी ट्रेनिंग और इनके ऊपर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तो अच्छे खासे वॉच डॉग भी हो सकते हैं, आपको बार करके अलर्ट भी कर सकते हैं डॉग ब्रीड। जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि अगर आप एक से ज़्यादा डॉग रखना चाहते हो और ऐसे में आप साइबेरियन हस्की भी रखना चाहते हो और दूसरे डॉग भी कोई रखना चाहते हो, तो बचपन से अगर आप इन दोनों डॉग को साथ में रखते हो तो ये डॉग ब्रीड आगे जाके भी एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे, साथ में रहेंगे, इसलिए आप बाकी डॉग के साथ भी इन्हें आसानी से रख सकते हो। इन्हें सोशलाइज भी आप आसानी से कर सकते हो बाकी डॉग के साथ, स्ट्रीट डॉग के साथ और आपके घर के फैमिली मेम्बर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है।
जो नेक्स्ट बेनिफिट है वो है कि आप इन्हें ट्रेनिंग अगर आप इन्हें प्रॉपरली देते हो तो आसानी से दोस्तों ये सीख जाते हैं। जैसे काफ़ी इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड होते हैं, जैसे कि आप प्रॉपरली पूरी तरह से इन्हें ट्रेनिंग देते हो, वही काम के 2 या 3 बार समझाते हो या फिर 1 वीक की ट्रेनिंग देते हो, तो ऐसे में ये कभी वो काम भूलते नहीं फिर। और जो बाकी साइबेरियन हस्की मैं देखता हूँ वो प्रॉपरली छोटे मोटे काम तो आसानी से जो है घर के कर लेते, इसलिए आप इन्हें छोटी मोटी ट्रेनिंग आप इन्हें दे सकते हो और जल्दी सीख भी जाते हैं। जो नेक्स्ट बेनिफिट है और लास्ट बेनिफिट है साइबेरियन हस्की के बारे में वो है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट कलर में देखने को मिलेंगे। आपकी जैसे चॉइस होगी, जिस तरह से आपको कलर चाहिए वैसे उस कलर में आपको मिल जाएगा, बहुत सारे कलर में आपको देखने को मिलेगा, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छा लगता है और न्यू कलर भी आपको देखने को मिलते हैं अलग कलर का। अगर आपको साइबेरियन हस्की लेना है तो वो भी आपको देखने को मिलेगा, खास करके इनके आई के जो कलर होते हैं वो भी आपको मिल जाएंगे अलग अलग। कोई कोई को ब्लू होते हैं, कोई कोई जो है डार्क चॉकलेट जैसा होता है, या फिर दोनों के अलग अलग कलर भी आपको देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड आशा करता हूँ आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल जरूर से ऑन कीजिएगा। और भी डॉग के ऊपर आपको वीडियो चाहिए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये वीडियो कैसी लगी वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।